कभी भी फूल हाथ में लेकर के नहीं चढ़ाया जाता, ये ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। बहुत लोगों को आदत होती है ऐसे बाएं हाथ पर फूल ले लेंगे और उसको एक एक करके चढ़ाएंगे, नहीं, शुद्ध पात्र में। कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल मत भरिए, अपराध हो जाए। गंगाजल के लिए ताम्र पात्र बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तांबे का पात्र, पीतल का पात्र उसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आप वो प्लास्टिक की केटली में गंगाजल आप लाते हैं, उसको आप घर ला करके उस कट्टी को उसको आप चेंज कर लीजिए। प्लास्टिक के बर्तनों में गंगाजल रखने के लिए बिल्कुल निषेध का है, मना किया। उसी प्रकार से आप हाथ में रख करके फूल नहीं चढ़ा सकते देवताओं पर। नहीं तो बहुत देखा है बाएं हाथ पर फूल ले लेंगे, रख लेंगे, फिर उसको एक एक करके आप चढ़ाएंगे, नहीं। छोटा सा पात्र ले लीजिए, हाथ में कटोरा ले लीजिए और उसमें से एक एक फूल भगवान को चढ़ाइए। आज मैं गेहूँ चढ़ाने की एक विधि आपको बताऊंगा, ये नहीं कि मुठक्का भर भर के डालें, उसका कोई महत्व नहीं है। जो लाख गेहूँ या लाख मूंग या लाख तिल या लाख जौ भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती, एक एक चढ़ाई जाती और उस एक एक की ही महिमा है। बेलपत्र का बिल्व अर्चन होता है, 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाते हैं, धरती की सभी समस्याओं का समाधान होता है, तो वह भी एक एक करके ही चढ़ाया जाता। बेलपत्र चढ़ाने का तो तरीका यह है, एक रात पहले उसको गंगा जल में डुबो दो, पूरा रात भर पड़ा रहने दो बेलपत्र, दूसरे दिन आपको चढ़ाना है, फिर उसको सूती कॉटन कपड़े से उसे पहुंचिए, जिस कपड़े में जितने धागे हैं उतने बरसों तक महादेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, स्कंद पुराण में लिखा। सूती वस्त्र से उसको पहुंचिए, फिर उसमें कुमकुम गोरोचन पीला अष्टगंध का चंदन ये मिलाकर, और मोर पंखी से लिख लीजिए या स्वेटर बुनने वाली सलाई से लिख सकते हैं या फिर कदम की डंठल से भी आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर ओम लिखिए, श्री लिखिए, क्लीम लिखिए, कुछ एक शब्द लिख लीजिए। बेलपत्र को एकदम सीधा नहीं, उसमें रोली या उसमें चंदन लगा करके फिर उसको भगवान शिव के ऊपर, जैसे बिना घी लगाई हुई रोटी परोसी नहीं जाती, आजकल तो घी है नहीं, मशीनरी फेल है, घी मिलता नहीं है, तो ऐसे खुरमुंडी रोटी परोस देते हैं। नाम पर न हो जी और रोटी पर न हो घी, काई की रोटी है। जिस प्रकार से बिना चुपड़ी हुई रोटी अतिथि को आगंतुक को कभी नहीं परोसी जाती, बिना घी लगाए हुए रोटी का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता, उसी प्रकार से जब तक वेल पत्र पर आप चंदन रोली कुछ नहीं लगा देते तब तक उसे शिव के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। पहले उसके ऊपर कुछ लगे, ओम लिख लें, श्री लिख लें, क्लीम लिख लें, राम लिख लें, कृष्ण लिख लें, अपने इष्ट का नाम लिख लें, कुछ भी नहीं लिखते हैं तो रोली चंदन तो लगा ही सकते हैं उसमें। फिर आप चढ़ाइए, एक एक करके चढ़ाइए। कल की कथा में आप सुने थे कि भगवान महादेव को बेलपत्रियां चढ़ाने से जिंदगी की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व सेवार्पणम, करोड़ करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है एक बेलपत्र आरोपने से धरती पर। अपने से जीवन काल में कुछ बेल के पेड़ लगा करके जाना। पिछले साल मेरी कथा थी रामेश्वरम में, श्री राजेश जी अग्रवाल, माता अनीता अग्रवाल जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, लांजी एक तहसील है, उनका चावल का बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने आयोजन कराया। यज्ञ की पुड़ावति हुई, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे लिए कोई आदेश कीजिए, मुझे कोई सेवा बताइए। उनको तो ऐसा लगा कि महाराज जी कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ बोल देंगे और कुछ गौशाला के लिए बोल देंगे, इतना निर्माण वगैरह करा दो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला। जब उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए कोई आप सेवा बताइए, मैंने कहा आप सेवाई के लिए पूछ रहे हैं तो लांजी में कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके सानिध्य में हमने बालाघाट में बहुत बड़ा आयोजन किया, नीचे गर्भगृह में है मंदिर, बहुत प्रभावशाली है। मैंने कहा शहर से लगभग वो 3-4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर तो दूर है ही,
लांजी शहर से लेकर के मंदिर तक दोनों साइड में जितने बेलपत्र लग सके दोनों साइड में उतने बेलपत्र लगा दीजिए, बस यही सेवा। अभी एक दिन फोन था, मैसेज था, कहा महाराज जी वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, पेड़ लग गए। बेल वृक्ष लगाना साक्षात महादेव की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है आपने घर की, इतना बड़ा प्रभाव है। आजकल दो तरह के बेल वृक्ष आते हैं, एक तो वो है बहुत जल्दी फल देता है, और एक है देसी बेलपत्र। याद रखना महादेव के ऊपर जो देसी बेलपत्र है जिसमें कांटे होते हैं पेड़ में, वही बेलपत्रियां शिव को प्रिय हैं। ये आजकल जापान ताइवान का बेलपत्र आ रहा है, वो बस 6 महीने का होता है और फल देना शुरू कर देता है, वो छोटा इतना ही बढ़ता है, उसकी पत्तियां ही अलग से है बिल्कुल। वो पत्तियां अपना जो देसी बेलपत्र वो वाली है ही नहीं। तो भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्रियां चढ़ती हैं वो जापान ताइवान वाला नहीं है, देसी है, अपने भारत का, बहुत प्राचीन है, परंपराओं से अनादि काल से, जो कि माता लक्ष्मी से प्रकट हुआ है। आजकल का जो परदेसी है वो लक्ष्मी माँ से थोड़ी ही प्रकट हुआ है, वो तो पता नहीं कौन से प्रकट हुआ हुआ है। गैया के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है, और लक्ष्मी की छाती से बेल वृक्ष पैदा हुआ है, छाती से बेल फल माँ भगवती लक्ष्मी से प्रकट हुआ, इसलिए महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ाने से श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है। यज्ञ में बेलगिरी की आहुति डालने से धन बढ़ता है, कंगाली समाप्त हो जाती है। तो ऐसी महिमा है, भगवान शिव को अपना बना लीजिए।